फाइनली आपका कक्षा 9वीं अंग्रेजी का रियल पेपर मिल चुका है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं 6 दिसंबर को जो आपका इंग्लिश का कक्षा 9वीं का पेपर होने वाला ना, पूरा का पूरा रियल क्वेश्चंस पेपर आज की इस वीडियो देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं कर लेना है और आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, आंसर शीट भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बस आप लोग देखो, यहाँ पे आपको पैसेज आ जाता है पहले नंबर पे, इस पैसेज को आप लोग सबसे पहले देख लो, ठीक है। रीडिंग द पैसेज, और मैं आपको बता दूं ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपका आता है सरदार पटेल वाज कैरेसेड डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इरोन मैन हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ना फटाफट से देख लो, स्किप नहीं करना ये वीडियो को, ठीक है। इसी वीडियो में पूरा का पूरा टोटली आपको आंसर क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसी वीडियो को देखने के बाद पेपर देने चले जाना, ठीक है। और 75 में 75 आपको लाना, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। 13 तीसरा नंबर पर आप लोग देख सकते हो सी नंबर स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग 4वें 5वें नंबर पर भी देख सकते हो, 4वें 5वें नंबर को भी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो, अभी तक नहीं लिए हो तो, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। पैसेज नंबर दूसरा भी कुछ इस प्रकार से, दूसरा भी पैसेज, नेक्स्ट पैसेज का भी आप लोग देख सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। तो पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है, कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे आपका तीसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको पैसेज दे दिया जाता है, इस पैसेज में किया जाता है कि आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद मैं आपको एक इसका जो मेन हेडिंग है, टाइटल है, ठीक है, उसको आपको बताना है, सब टाइटल बताना है। और इसके अलावा एक आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, नोट्स समरीज, समझ रहे हो ना, नोट्स समरी बनाना, जो जो मेन मेन टॉपिक है ना, हेडिंग है, उनको आपको एक नोट्स बना के लिखना है, ठीक है। तो इसको भी लिख देना। उसके बाद हम लोग चौथे नंबर पे चलेंगे। चौथे नंबर पूछता है कि यार यू आर निशी कौरव स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी, कोई लड़की का नाम है जो हाई सेकेंडरी में पढ़ाई करती है मुरैना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है जो लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, लिविंग सर्टिफिकेट टीसी के लिए एक एप्लीकेशन याद कर लेना है, लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो नहीं बनता है तो आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है, जो लेटर है, अगर आप कहीं सिटी में पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो आपको बुक लेने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो आप अपने फादर के लिए एक लेटर लिख सकते हो, तो इस लेटर को भी लिख लेना, ठीक है। दो में से किसी एक को लिखना है, तो आपको दो में से किसी एक को याद कर लेना है। इसका सॉल्यूशन है ना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि रफ में लिखा हूं, ठीक है। तो आपको पता है क्या, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 5वें नंबर पे आता है वाइट एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये जो एसे है ना, इस एसे को बताना, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस में एसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वंडर ऑफ साइंस 5 नंबर को वंडर ऑफ साइंस आता है, आपको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि क्लास 9वीं में भी काम करेगा, क्लास 10वीं में भी काम करेगा आपको, ठीक है। तो आगे जाके जरूरत पड़ेगी वंडर ऑफ साइंस की, तो ज़रूर से याद कर लेना। और फिर उसके बाद हम लोग 6वें नंबर पर चलेंगे। तो आपका 6वें नंबर पूछता है ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर, ठीक है। तो एक पिक्चर आपको दे दिया जाएगा, इस पिक्चर को देख के आपको 75 वर्ड लिखना है, तो ठीक है। यहाँ पे सिगरेट का है, सिगरेट जो होता है ना, जो पीने वाला, उसके मतलब उसके बारे में आपको बताना, तो 75 वर्डों में आपको लिख देना है। उसके बाद सेक्शन नंबर सी हम लोग ग्रामर आ जाएंगे। तो ग्रामर में आप लोग पूछता है, आप लोग देख सकते हो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर में, ठीक है। तो पहले का आपका द हो जाएगा, द सन, सन द और एन का और ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो बना दिया हूँ, चेक कर लेना, ठीक है। अभी मैं बता दूँ द सन, ठीक है, जैसे जो पॉपुलर जगह होती है ना, जैसे द ताजमहल, द सन, ठीक है। तो द यहाँ पे सन हो जाएगा, ठीक है, सन क्योंकि प्रकृति का देन है, ठीक है, तो वहाँ पे द का प्रयोग होगा। उसके बाद आई डिड द बाय डैश डैश मैंगो, ठीक है। तो मैंगो आप गन के थोड़ी एक लेने जाओगे, एनी लेने जाओगे, एनी मतलब बहुत सारा, ठीक है। उसके बाद ही इज डैश डैश इंजीनियर, ठीक है, तो एन हो जाएगा, इंजीनियर के साथ एन का प्रयोग होता है। और उसके बाद बी डैश डैश टू वॉच द मूवी स्टडे, तो वेंट हो जाएगा, क्योंकि स्टडे स्टडे वेंट लगता है, ठीक है, मतलब देखो ये जाने वाला है स्टडे, तो वेंट लगेगा, मतलब आज ही जा रहा है तो गो लगेगा, यहाँ पे स्टडे जहाँ पे टूटे रहता है तो गो लिखता, लेकिन स्टडे जा रहा है तो वेंट लगेगा। उसके बाद में देयर इज नॉट डैश डैश वाटर इन द पूल, ठीक है, तो मच हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको डूएस डायरेक्टेड भी देख लेना है, तो डूएस डायरेक्टेड भी, इसको भी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। तो डूएस डायरेक्टेड योर पेन कैन गिव मी योर, ठीक है, ही वर्केड वेरी हार्ड, अंकित प्लेड हॉकी, ठीक है, इसको देख सकते हो, रोहन स्पीक इंग्लिश, दे वर्केड
इन द डार्क, ठीक है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन नंबर डी पे, ठीक है, तो सेक्शन नंबर डी पे भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग देख सकते हो जो आपका बुक होता है ना, जो बुक से पढ़ाई होती है उसमें सब क्वेश्चन आने लगे, ठीक है। वेयर डिड टॉमी फाइंड द स्कूल बुक, जो है, ठीक है। उसके बाद वी कैन मेक फ्रेंड विथ वाइंड इफ वी आर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे भी आप लोग देख सकते हो, चौथे नंबर पे देख सकते हो। तीन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इनका सॉल्यूशन मैं आपको अभी बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। दसवें नंबर पे देख सकते हो, दसवें नंबर को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, ठीक है। ग्यारह नंबर पर आपका आ जाता है, ठीक है। ग्यारह नंबर पर जो होता है ना, जो क्वेश्चंस, ठीक है, एक वाक्य में क्वेश्चन जो होते हैं ना, तो इसको भी आपको यहाँ पे देख सकते हो। व्हाट इज ए टेलीवोक, वेयर डिड बिस्मिल्ला खान गेट ही बिग ब्रेक, ठीक है, तो इसको भी देख सकते हो। 11 नंबर के बाद आपका 12 नंबर आ जाता है, 12 नंबर पे देख सकते हो। तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, दो क्वेश्चंस को करना है, इसको आराम से इसमें से कर लेना कोई को। उसके बाद 13 14 नंबर देख सकते हो, ठीक है, और 15 नंबर देख सकते हो। वाइट द कैंटर्नल आइडिया ऑफ द पोयम रैन ऑन द रूफ, ठीक है, तो इसको भी देख सकते हो। उसके बाद 16 नंबर पे देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद 16 नंबर के बाद में क्वेश्चंस पूरे समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आपको जो भी इसका सॉल्यूशन है ना, अगर इसको आपको सॉल्यूशन देखना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसका पीडीएफ है ना, पीडीएफ का आपका मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिंक पर टच करके ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आई होप करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको रियल पेपर चाहिए, ठीक है, सच में, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन जरूर से करना। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।